हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरपीएम नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर। क्या दोस्तों, आप भी एमएस एक्सेस के फॉर्म को फुल व्यू में देखना चाहते हैं? देखिए, एमएस एक्सेस का फॉर्म अगर आप फुल व्यू में देखेंगे तो आपको रिबन नहीं दिखाई देगा, आपका नेविगेशन पैन हाइड हो जाएगा, कुछ भी आपको बैकग्राउंड का दिखाई नहीं देगा। आपको लगेगा कि आप कोई एक एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। दोस्तों, क्या चाहते हैं आप इस तरीके से फॉर्म बनाना? तो काफी आसान है दोस्तों, आप इस वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा किस प्रकार से आप जो है अपने फॉर्म को फुल व्यू में देख सकते हैं। आप अपने नेविगेशन पैन ओपन करिए। आपने जो फॉर्म बना रखा है, मैं पहले जो एक फॉर्म बनाया है उसी में आपको दिखाऊंगा दोस्तों। अभी आप जो ये मेरा एक डेटा एंट्री का फॉर्म है, इसको मैं फिलहाल डिजाइन व्यू में ओपन करूंगा दोस्तों। ये मैंने डिजाइन व्यू में ओपन किया। सबसे पहली बात दोस्तों, इसमें आपको ध्यान में रखना है कि आपने जो है यहाँ पे आपका साइड में और नीचे, ये देखिए दोस्तों, फुटर को आपने नीचे नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है दोस्तों, यहां से डिटेल वाला कॉलम को आपने नीचे करना है। अब याद रहिए रखना दोस्तों कि जब आप फुल स्क्रीन करेंगे तो आपका जो ये ऊपर वाला, इसके ऊपर का जो पार्ट है, इतना इतना पार्ट हाइड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है इतना पार्ट नीचे लेके जाना पड़ेगा, तभी जो है हमारा वो वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा, तो दिखाई देगा दोस्तों। अब हमें क्या सेटअप करना है दोस्तों, कि हम जो है हमारा ये डिटेल वाला पार्ट है, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में दिखाई दे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको मुझे सेंटर लेना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा सेटअप करता हूँ दोस्तों, साथ ही साथ हमारे कंप्लीट डिटेल पोर्शन को यहाँ पे सेंटर कर लेता हूँ दोस्तों। अब नीचे के जो बटन हमने लगाए हैं इनको हम सेंटर करते हैं दोस्तों। ये हो गया सिंपल। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे कुछ जो है इमेज ऐड करना, तो आप आसानी से डिजाइन मेन्यू में जाके आप इमेज इंसर्ट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इमेज इंसर्ट करता हूं अभी। ये देखो दोस्तों, अभी जो है मैंने इमेज इंसर्ट कर दी दोस्तों। इसी को मैं कॉपी करूंगा दोस्तों और दूसरी तरफ भी लगा दूंगा। आप जो है इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो है ज्यादा नीचे ना हो और ज्यादा ऊपर भी नहीं दोस्तों। ये देखिए, अब आपने कुछ काम करना है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट, आपने अभी प्रॉपर्टी शीट ओपन करना दोस्तों। प्रॉपर्टी शीट का शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस एंटर। अभी आपने यहां पर सबसे पहले फॉर्म क्या सिलेक्ट करना है, याद रखिएगा दोस्तों, फॉर्म सिलेक्ट करना है। इसके बाद में आपने यहाँ पे ऑल पे आना है। यहां पर आपने दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल को ऑफ करना है दोस्तों। क्या ऑफ करना है, स्क्रॉल को आपने दोस्तों ऑफ करना है। आपको यहाँ पे स्क्रॉल मिलेगा, ये देखिए दोस्तों, डिवाइडिंग लाइंस के नीचे यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्रोल। यहाँ पे हमने पहले ही सिलेक्ट किया हुआ नाइदर, जो हमने पिछली बार जब इसको मैंने आपको दिखाया था पिछले वीडियो में, उसी समय इसमें नाइदर किया हुआ था दोस्तों। अगर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोथ होता है तो आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे नाइदर सिलेक्ट करना है। इसके बाद में दोस्तों आपने आना है अदर्स। अदर्स पे सबसे पहला ऑप्शन है पॉपअप। पॉपअप को आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर यस करना है। क्या करना है, यस करना है दोस्तों। इसके बाद में आता है यहाँ पर इवेंट्स। इवेंट्स में दोस्तों देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सिंपल है। इवेंट में आपने क्या करना दोस्तों, ऑन ओपन, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ऑप्शन ऑन ओपन, इसके सामने क्लिक करना है। और ये जो साइड में तीन डॉट दिख रही है, तीन डॉट दिख रही है, इन पे आपने क्लिक करना दोस्तों। सिंपल है, इस पे आपने क्लिक किया, यहाँ पे आपके सामने एक पॉपअप बॉक्स ओपन हुआ। इसमें तीन ऑप्शन दिए हुए हैं, मैक्रो बिल्डर, एक्सप्रेशन बिल्डर और कोड बिल्डर। हम काफी इजी वे में करेंगे दोस्तों, कोई कोडिंग नहीं करनी आपको। आपने सिंपल मैक्रो बिल्डर पे क्लिक करना है। मैक्रो बिल्डर पे आपने क्लिक किया, यहाँ पर दोस्तों आपने ये जो है मैक्रो देना है। कौन सा मैक्रो देना है, हमें अपनी जो विंडो है उसको मैक्सिमाइज करना है। इसके लिए कौन सा मैक्रो आएगा, मैक्सिमाइज विंडो। दोस्तों आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं मैक्सिमम विंडो। अगर नहीं टाइप करना चाहते, आप ड्रॉप डाउन एरो से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों मैक्सिमम विंडो। इसको आप यहाँ पे सेव करिए और क्लोज कर दीजिए दोस्तों। यहां पर दोस्तों आपका जो है कंप्लीट काम हो चुका है।
आप प्रॉपर्टी शीट को क्लोज कर दीजिए और यहां से दोस्तों फॉर्म व्यू में आप देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों आपके सामने है, आप इस तरीके से जो है फॉर्म को फुल व्यू में देख सकते हैं। काफी आसान तरीका है दोस्तों, इजी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं दोस्तों, ताकि आपको आसानी से याद रहे किस प्रकार से जो है आप इसको फुल मेन्यू में, फुल में या फिर मैक्सिमाइज विंडो कर सकते हो। इसको आपने क्या करना है, यहाँ से ऑल्ट प्लस एंटर प्रेस करके आपने प्रॉपर्टी सीट ओपन करना है। सबसे पहले ये जो आपको ड्रॉप डाउन एरो से यहाँ पे फॉर्म सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपने इंश्योर करना है कि आपका जो स्क्रोल बार है वो ऑफ होना चाहिए या नाइदर होना चाहिए। इसके बाद अदर्स पे आना है दोस्तों। अदर्स में आपने पॉपअप को यस करना है, पॉपअप को यस करना है। फिर आपने इवेंट में आना है। इवेंट में दोस्तों ऑन ओपन पे जो है आपने तीन डॉट्स पे क्लिक करना है और यहाँ पर मैक्सिमाइज विंडो क्या लिखना है दोस्तों, ये देखिए मैं इसको क्लोज करता हूँ, कट कर देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे आपने लिखना है मैक्सिमाइज विंडो दोस्तों, इसको आप एंटर करिए और सेव कर दीजिए और यहाँ से दोस्तों क्लोज कर दीजिए। फिर प्रॉपर्टी शीट क्लोज करिए, इसको सेव करिए दोस्तों और फॉर्म व्यू में ओपन करिए। ये है दोस्तों, इस तरीके से आप जो है फुल स्क्रीन व्यू में आप देख सकते हैं दोस्तों। सेम इसी तरीके से आप रिपोर्ट्स को भी कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।